तो घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि गंगा दशहरा वर्ष 2020 में कब मनाई जाएगी, कब है उसकी तिथि बताऊंगी, उसकी पूजा की विधि बताऊंगी, शुभ मुहूर्त बताऊंगी और उसका महत्व बताऊंगी। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी मैं दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। तो हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान और दान करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों में गंगा दशहरा पर्व का बेहद महत्व बताया गया। मान्यता है कि भागीरथी की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। गंगा माता के धरती पर अवतरण के कारण यह दिन गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर गंगा स्रोत पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्ति पाता है। इसके अलावा इस दिन दान करना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन दान करने वाली चीज़ों की संख्या पूजन सामग्री 10 की संख्या में हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है। उसकी पूजा की विधि क्या है, तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा जी में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि यह संभव ना हो पाए तो घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद गंगा जी की पूजा में सभी पूजन सामग्री जो भी संभव हो 10 प्रकार की होनी चाहिए, उन्हें अर्पित करनी चाहिए। गंगा मैया का पूजन करने के बाद किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। दान की जाने वाली वस्तुओं में यदि 10 प्रकार की या 10 की संख्या में हो तो बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2020 में गंगा दशहरा 1 जून को मनाई जाएगी। 10वीं तिथि कब से शुरू है और कब समाप्त होगी वो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।